रायबरेली के सलोन में पिछले माह सामने आए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सात अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी रायबरेली के मुताबिक एटीएस वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, बहराइच और प्रयागराज की फील्ड यूनिट ने भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की गहन जांच के बाद सात लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के संबंध में एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराजगंज से सतीश, प्रयागराज से धीरज, शाहजहांपुर से नीरज, मुरादाबाद से आरिफ अली, बलिया से शहनवाज, बहराइच से कुलदीप को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि ये सभी लोग सैलून से सीएससी संचालक जीशान के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़कर ऐसे लोगों की जानकारी साझा करते हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं या आधार कार्ड में संशोधन के लिए जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो। जीशान ऐसे लोगों का प्रमाण पत्र ग्राम विकास अधिकारी की आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल कर निर्गत कर देता था। इसके अतिरिक्त ये लोग इंटरनेट पर पड़ी हुई कुछ ऐसी साइट्स के माध्यम से भी प्रमाण पत्र निर्गत कर देते थे जो देखने में हूबहू असली लगें। सर, कल फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में कुछ गिरफ्तारियाँ हुई, क्या था? थाना सलोन में एडीओ पंचायत की तहरीर पर चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें जेल भेजा गया था। इसी के क्रम में कल सात व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी एटीएस और थाना सलोन पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है उनका नाम सतीश कुमार निवासी महाराजगंज, धीरज निवासी प्रयागराज, नीरज निवासी शाहजहाँपुर, आरिफ अली मुरादाबाद, शाहनवाज बलिया, कुलदीप सिंह बहराइच। इन सात व्यक्तियों को कल गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इनके पास से मोबाइल और लैपटॉप है वो बरामद किया गया है। सभी अभियुक्तों ने पूछताछ में यही बात बताई है कि उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था और जिन व्यक्तियों को भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहती थी तो वो व्यक्ति उनसे संपर्क करते थे और ये ग्राम विकास अधिकारी की आईडी और पासवर्ड जो डेलीगेटेड रहता था उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं की मिलीभगत से सभी लोग ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते थे और अधिक लालच के चक्कर में, अधिक पैसा कमाने के चक्कर में यह कार्य उनके द्वारा किया जाता था और जिनको भी सरकारी योजनाओं का अनैतिक रूप से लाभ लेना होता था वो व्यक्ति इनसे संपर्क करते थे। इनको जेल भेजा गया है, आगे विवेचना प्रचलित है। सर, अब तक इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई टोटल? अब तक इस मामले में टोटल 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सर, जांच में क्या ये चीज़ निकली है कि रायबरेली के ही वीडियो की आईडी हर जगह यूज़ हो रही है? नहीं, इसमें ग्राम विकास अधिकारी रायबरेली के अलावा अन्य जगहों की भी तलाश की जा रही है जिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा रहा था उसकी तलाश की जा रही है, अभी विवेचना प्रचलित है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।